डीटीसी बस पर दिल्ली की सियासत में तूफान, सीबीआई जांच की सिफारिश पर बीजेपी आप में हमलों की बौछार। बीजेपी का हमला, भ्रष्टाचार में डूबी सरकार, आम आदमी पार्टी बोली, सौदा नहीं तो घोटाला कैसे। गुजरात के अमरेली में अमित शाह का सहकारिता पर बड़ा कार्यक्रम, डेयरी क्षेत्र तो बर्बाद करने का कांग्रेस पर जड़ा आरोप, सौराष्ट्र का हवाला देते हुए बोले, कांग्रेस राज में डेयरी उद्योग पर लगा ताला। गुजरात दौरे पर गए असदुद्दीन ओवैसी का मोदी सरकार पर हमला, बिल्किस बानो केस में दोषियों की रिहाई पर उठाए सवाल, पूछा क्या अच्छे संस्कारों की वजह से आरोपियों को छोड़ा। कोलकाता में मोबाइल ऐप से करोड़ों की धोखाधड़ी का खुलासा, ईडी के रडार पर बंगाल की कई सियासी चेहरे, चीन की साजिश की भी पड़ताल जारी। पंजाब के डीजीपी का बड़ा खुलासा, मूसेवाला के शूटर्स का आतंकी संगठनों से रिश्ता, आईएसआई से भी जुड़ा कनेक्शन, पूछताछ में सलमान खान की रेकी की भी पुष्टि। सोनाली फोगाट की मौत की सीबीआई से जांच की मांग तेज, खा पंचायत ने 23 सितंबर की दी डेडलाइन, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान, गोवा सरकार से बातचीत के बाद फैसला। श्रीगंगानगर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर नापाक साजिश नाकाम, बीएसएफ ने कोहली पोस्ट के पास से पकड़ा एक घुसपैठिया, आरोपी लियाकत अली से पूछताछ जारी। भरतपुर में बीजेपी नेता कृपाल सिंह हत्याकांड में खुलासा, पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार, बदमाशों को लाते वक्त पुलिस की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, 2 कांस्टेबल हुए घायल। प्रदेश में मॉनसून फिर एक्टिव, अगले 5 से 7 दिन होगी बारिश, 18 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट, दूसरी तरफ फलोदी में पारा 41 के पार। टी20 एशिया कप में आज फाइनल की भिड़ंत, पाकिस्तान और श्रीलंका में चैंपियनशिप की टक्कर, शाम 7:30 बजे मुकाबला, टीम इंडिया टूर्नामेंट से पहले ही हो चुकी है बाहर।